गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। यह है मेरी रॉयल एनफील्ड 350 इलेक्ट्रा 2010 मॉडल। तो भाई यही वो बाइक है जिसके हाथ में मोटो व्लॉग डाला करूँगा। और अभी मुझे इस बाइक की सर्विस करानी है और यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है ट्रांसफार्मर का, उसको हटा के मैप का लोगो लगवाना है। तो भाई अभी तो मैं बाहर नहीं निकल सकता, अभी तो डॉक्टर ने मुझे होम आइसोलेट किया है 14 दिन के लिए। अभी मैं 14 दिन घर पे ही रहूँगा, तो अभी तो मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा। तो भाई आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आज घर पे कैसे आ गया, तो मेरे आइसोलेट क्वारंटीन के 10 दिन पूरे हो गए थे। तो मैं आज सुबह 9:30 बजे से एम्बुलेंस आई थी, फिर हमने बैग वैग पैक किया, फिर हम वो मुझे मेरे रूम पे छोड़ गई। फिर मैं रूम पे आके नहाया, कपड़े कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में ला ले और बहुत कुछ काम किया, खाना बनाया, कुछ भी सूट नहीं कर पाया, सारे कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे, उनको सेटिंग की। तो अब फ्री हुआ हूँ, मैंने सोचा कि आपको अपनी बाइक का थोड़ा टूर करा दूँ। फ्रेंड्स, मुझे अपनी बाइक का एक अच्छा नाम रखना है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या नाम रखूं। जो भी कमेंट मुझे अच्छा लगेगा मैं अपनी बाइक का वही नाम लिखवा दूंगा और उसको मैं यहाँ पे भी लिखवाऊंगा एक। तो ठीक है गाइस, अच्छे अच्छे नाम बताना, कमेंट करना, तो मैं वही नाम रखूँ अपना, वही नाम लेके बुलाऊंगा। तो भाई एम्बुलेंस आ चुकी है, हम 4 लड़के थे एम्बुलेंस में जाने वाले, तो भाई एम्बुलेंस में बैठ चुके हैं, हम अपने घर जा रहे हैं। धारवाड़ा यहाँ से 2 किलोमीटर है, सिर्फ 15 मिनट में अभी घर पहुँच जाएंगे, मन बहुत खुश है। तो फ्रेंड, जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दें और बेल आइकन दबा दें।